आज से तकरीबन 5 साल कबल एक शख्स के घर में चोरी हुई। मुदई ने यह बताया कि तमाम खवातीन का जो सोना था वो मैंने इकट्ठा करके घर के तीसरे फ्लोर पर एक खाली कमरे के अंदर रख दिया और वो जाके नीचे सो गए। मुदई ने अपनी एक तहरीरी दरखास्त दी और उसमें 35 तोले की बजाय 10 तोले का जिक्र किया। मुलजम एक आदि मुजरिम था, यकीन जाने कि जिस अलमारी के अंदर से वो दाखिल हुआ है उस फासले को देख कर ये यकीन नहीं आता था कि यहाँ पे जो है वो चोर दाखिल हो सकता है, क्योंकि उस मुदई का नुकसान हुआ था, लिहाजा उस पर पुलिस ने फौरी तौर पर 10 तोले सोने का पर्चा जो है वो दर्ज कर दी। एक थाना से इतला मौसूल हुई, आपका मुलजिम और आपका चोरी शुदा सोना 10 तोले वो रिकवर। चूँकि मुकदमे का मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया है और उसकी रिकवरी 100% भी हो गई है, लिहाजा कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कहानी असल जो है वो यहीं से उसका आगाज दोबारा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली खान। सेफ सिटी टीवी के साथ एक नया प्रोग्राम आपके लिए ला रहे हैं, जिसमें है पुलिस की सच्ची और खरी कहानियां, जिसमें हम आपको बड़े सादा ज़बान के अंदर आपको बताएंगे कि ऐसी कहानियां कि जिसके अंदर एक सबक और पैगाम पोशीदा होंगे। आज से तकरीबन 5 साल कबल एक शख्स के घर में चोरी हुई और उसने 15 पर रब्ता किया और इतला की कि रात के किसी पहर मेरे घर में से चोरी हो गई है। उसकी इतला पर पुलिस मौके पर गई और पुलिस ने क्राइम सीन को देखा, मुदई के स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। मुदई ने यह बताया कि हम आज सारा दिन शादी पे गए रहे हैं और वहाँ से हम लेट आए और तमाम खवातीन का जो सोना था वो मैंने इकट्ठा करके एक शॉपर के अंदर रखा और उसको लेकर ऊपर घर के तीसरे फ्लोर पर एक खाली कमरे के अंदर सेफ मौजूद थी तो उसके अंदर मैंने जल्दी में रख दिया, क्योंकि रात मुझे नींद आ रही थी तो मैंने उसको सेफ को लॉक ना किया। सेफ लॉक ना होने की वजह से जो है वो बाहर का दरवाज़ा उसने जो है बाद में उसको ताला लगा दिया और वो जाके नीचे सो गया। इसी दौरान कोई नामालूम चोर वो घर में आया और उसने जो पुरानी खिड़की होती है दरवाजे के साथ जो रॉड्स वाली, उसमें से एक रॉड को निकाला और अंदर दाखिल होकर सीधा जो है उधर से सामान उठाया और वहीं से उसी रास्ते से वापस आकर वो चला गया। अब ये क्राइम सीन था, ये क्राइम सीन जो है पुलिस को कुछ यकीन नहीं भी आ रहा था, लेकिन जो मुदई था उसकी जो स्टेटमेंट थी वो इस बात पे यकीन दिला रही थी कि बकुआ कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ। मुदई ने अपनी एक तहरीरी दरख्वास्त दी और उसमें उसने, चूँकि सोने की असल वज़न जो है ना उनको मालूम नहीं था, तो उसने 35 तोले की बजाय 10 तोले का ज़िक्र किया और उसने कहा कि बाकी जो फैमिली मेम्बरान हैं मैं उनसे पूछकर अपनी जो है वो तफसील उसका ज़िक्र कर दूँगा। अब सोना 35 तोले था और FIR के ऊपर जो है वो 10 तोले मुदई ने दर्ज करवाया और बाद की स्टेटमेंट में अपनी उसका जो था उसका जिक्र कर दिया। अब FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसकी तफ्तीश शुरू कर दी, तफ्तीश दाएं बाएं मुदई से गिर्दोनवा में जितने लोग थे सस्पेक्ट्स उनको शामिल तफ्तीश किया, लेकिन केस ट्रेस ना हुआ। मुलजम एक आदि मुजरिम था जो कि हर वक्त अपने शिकार की तलाश में गलियों में फिरता रहता था और उसकी जिस्मानी खदोखाल भी इस किस्म के थे कि वो आसानी से 2-3 मंजिला की इमारत पे जो है वो चढ़ जाता था और यकीन जाने कि जिस अलमारी के अंदर से वो दाखिल हुआ है और उसने रॉड निकाल के, तो उस फासले को देख कर ये यकीन नहीं आता था कि यहाँ पर जो है वो चोर दाखिल हो सकता है, जिसकी वजह से जो है इस वकूए की मशकूक होने के बारे में काफ़ी सारे जो है वो शवायद नज़र आ रहे थे, लेकिन चूंकि उस मुदई का नुकसान हुआ था लिहाजा उस पर पुलिस ने फौरी तौर पर 10 तोले सोने का पर्चा जो है वो दर्ज कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में हुआ क्या। एक दिन
एक थाना से इत्तला मौसूल हुई कि आपका मुलजिम और आपका चोरीशुदा सोना 10 तोले वो रिकवर हो गया। तो इस पर मुतलका जो तफ्तीशी अफसर था उसने मुझसे राबता करके कहा कि सर इस तरह करके मुलजिम भी पकड़ा गया है और उसकी रिकवरी भी हो गई। उसने बाद अज प्रोसेस उस मुलजिम को जेल से निकलवाया और अपना सोना जो है वो रिकवरी वाला वो भी लिया और मुलजिम को अपने थाने में रिमांड पर लेकर आया और रिकवरी जो वहाँ पे 100% बामुताबिक FIR की गई थी उसको भी ले लिया गया। लेकिन असूल तो ये था कि चूंकि मुकदमे का मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया है और उसकी रिकवरी 100% भी हो गई है लिहाजा कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कहानी असल जो है वो यहीं से उसका आगाज़ दोबारा होता है। हुआ यूं कि मुलजिम आदि चोर था और उस मुलजिम से एक उसके महल्लेदार ने रब्ता किया कि मेरी शादी करीब है तो अगर कहीं से कोई चोरी का माल तुम्हें मिले तो मुझे काइंडली जो है ना वो दे देना। जिस पर चोर ने जब ये चोरी की तो चोरी करने के बाद जब देखा तो ये तो काफ़ी मकदार में सोना है तो उसने उसी अपने महल्लेदार से रब्ता किया कि आज मेरे पास माल आ गया है तो लिहाजा तुम जो है ना पैसों का बंदोबस्त कर लो। उस पर उसने तकरीबन 1.5 लाख रुपए का बंदोबस्त किया और उस चोर को 1.5 लाख रुपए के बदले में वो सारा सोना जो है वो उससे खरीद लिया। जब सोना खरीद लिया तो उसने इसका वज़न करवाया तो वज़न करवाने से उसे मालूम हुआ कि ये 1.5 लाख के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा सोना है। तो उसको किसी समझदार आदमी ने मशवरा दिया कि ऐसा करो कि ये पता तो कराओ कि ये सोना इसने चोरी कहाँ से किया है ताकि हमें मुतलका थाने का और उसका पता चल जाए कि अगर कल कलां ये कहीं पकड़ा जाए तो हम इसे उस हिसाब से निपट सकें। तो उन्होंने उससे पूछा चोर से कि भाई आपने ये कहाँ से चोरी किया तो उसने उसकी जगह की निशानदेही की बताया। तो थाने का जब पता किया तो वहाँ से FIR का पता चला तो उन्हें मालूम हुआ कि ये तो सिर्फ 10 तोले सोना चोरी हुआ है FIR के अंदर। उनके जहन में एक खौफ आया कि चूंकि पैसे थोड़े थे और सोना बहुत ज़्यादा था तो क्यों ना इस चोर को जो है वो थाने में पकड़वा दिया जाए और उसमें से कुछ हिस्सा जो सोने का है वो भी थाने वालों को दे दिया जाए ताकि उस पर रिकवरी डाल जाए। इससे सोना भी हमें बच जाएगा और मामला भी ठप हो जाएगा और चोर भी गिरफ्तार हो जाएगा। तो वो एक तीर से काफ़ी सारे शिकार करना चाह रहे थे, जिस पर उन्होंने उसको दूसरे थाने में पकड़वा दिया और 10 तोले सोना भी दे दिया और मुलजिम जो है वहाँ चलान हो गया। जब वह इस थाने में आया तो चूंकि मुदई पहले दिन से ये वावेला कर रहा था कि मेरा सोना ज़्यादा है लिहाजा मुदई को बुलाया गया और चोर की इन्वेस्टिगेशन की गई तो चोर ने सच्ची बात बताई कि मैंने कहाँ पे ये सोना बेचा है। जब उस मुलजिम को खरीदार को गिरफ्तार किया गया तो उससे तफ्तीश की तो उसने बता दिया कि मैंने इसे सोना ज़्यादा लिया था और पैसे थोड़े दिए थे, जिस पर जो है उसने बाकी जो सोना उनके घर में मौजूद था चूंकि शादी थी तो उन्होंने वो 25 तोले सोना भी जो है वो पुलिस को रिकवर करवा दिया। इसी तरह तमाम 35 तोले सोना वो पुलिस ने रिकवर कर लिया और मुदई को मिल गया। इस कहानी में जो सबक है वो ये है कि चोर जो कि एक आदि मुजरिम था वो पकड़ा गया और जो आगे लालच कर रहे थे लड़के महल्लेदार जिसने कि शादी अपनी करवानी थी उसने सस्ता जो सोना लिया वो उस पे पकड़ा गया और उसके बाद जो उसका मुदई था जिसकी हक हलाल की कमाई का और रिश्तेदारों का सोना था वो सारा 100% रिकवर हो गया। इस कहानी में जो हिदायत आई है वो ये है कि आइंदा जब भी आप अपने किसी प्रोग्राम पर जाएं तो अपने तमाम सामान को हिफाजत में रखें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया।